अब हम एक डार्कर कलर लेंगे और आईज़ के सर्कल में डार्क कलर को ब्लेंड कर देंगे। व्यूअर्स, कभी भी आईज़ की क्रीज के अंदर शेड लगा के नहीं छोड़ना चाहिए, थोड़ा सा फेक ऊपर करना चाहिए, मतलब फेक मेकअप करना चाहिए। आईज़ की क्रीज से थोड़ा सा ऊपर करेंगे ना तो आँख आपकी खुली खुली दिखती है। आप क्रीज लाइन बनाएं फिर उसको ऊपर की तरफ ना ब्लेंड कर दें। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने सिर्फ आईब्रो के नीचे हाइलाइटर की जगह छोड़ के बाकी सारी जगह को कलर ब्लेंड कर दिया है, डार्क नहीं लाइट ब्लेंड कर दिया है, आप देख सकते हैं, जिससे बहुत अच्छा लुक आता है और आईज़ जो है बड़ी बड़ी और खिली खिली दिखती है। और अब मैंने सिल्वर कलर लेकर इनकी आईबॉल पर लगाया है, अच्छे तरीके से आईबॉल पर भी लगा दिया है। अब मैं सिल्वर कलर का शिमर डस्ट लेकर सिर्फ आईबॉल पर बहुत अच्छी तरह से फिक्स कर दूंगी, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है। ब्रश की मदद से मैंने फिल कर दिया है। लास्ट में कोई लाइट कलर लेकर आउटर आँख की आउटर साइड पे जो है आप अच्छी तरह से उस कलर को ब्लेंड कर देंगे ताकि कोई क्रीज लाइन ना दिखाई दे। बस ब्लेंडिंग का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है आपने। और हमारा आई मेकअप हाफ एंड डन हो चुका है। अब हम लोअर पे काम करेंगे, लोअर का बेस अच्छी तरह से ब्लेंड करेंगे, फिक्स करेंगे, फिर उसके बाद कलर लगाना स्टार्ट करते हैं। नीचे भी हमने एक लाइट कलर लोअर लैश के नीचे दिया है, इससे भी आँख बड़ी बड़ी और खुली खुली दिखती है। इनके ड्रेस का कलर जो है उसके हिसाब से अच्छी तरह लैशेस को मस्कारा लगा लें, कर्ल्स कर लें लैशेस को, ताकि हम दूसरी लैशेस लगा सकें, ये बहुत ज़रूरी होता है। अब हम रफली लाइनर लगा लेंगे, क्योंकि लैशेस लगने के बाद दोबारा इसको सेट करना होता है,
तो आप बहुत अच्छी तरह से लाइनर लगा लें और फिर उसके बाद हम लैशेज लगाएंगे। अब हमने इनके स्किन टोन के हिसाब से फाउंडेशन लिया है, इनके कलर से 1 टोन कम, बिल्कुल जो नेचुरल लुक दे, बिल्कुल ब्राइट ना दिखे। देख सकते हैं आप, ब्रश की मदद से मैं लगा रही हूँ, फिर अच्छी तरह से ब्लेंड कर दूँगी। अब इनको हम वाइट काजल लगा देते हैं आँखों में, क्योंकि इनको बिल्कुल सॉफ्ट लुक देना है। वाइट काजल से जो है ना आँख बड़ी दिखती है, वैसे उनकी माशाल्लाह वैसे भी प्यारी आँखें हैं, तो वाइट काजल से और भी अच्छी हो गई हैं। अब नंबर कंटूर का है, नोज़ एरिया का कंटूर कर रहे हैं हम, और इसी तरह से चीक्स का, चिन का और थोड़ा सा फॉरहेड सब हम कंटूर कर लेंगे, और जो कंटूर की क्रीज लाइन होगी उसको हम अच्छी तरह से ब्लेंड कर देंगे। आप देख सकते हैं,
अब हमने ब्लशन लगा लिया है इनका, हमने जो इनके लिए चूज़ किया है बिल्कुल लाइट बेबी पिंक कलर चूज़ किया है, बस हल्का हल्का सा, ज़्यादा शार्प नहीं। और अब हम जो है शिमर ब्लशन लगा रहे हैं, ये भी बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि आपको पता है अब ग्लैमर्स मेकअप का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, तो लड़कियां बहुत पसंद करती हैं इसको और ये खूबसूरत भी दिखता है। तो हम हाईलाइट भी कर रहे हैं और आप देख सकते हैं जो जो एरियाज को हाईलाइट करना है, जैसे कि नोज़ एरिया हो गया, चीक्स बोन हो गई, चिन एरिया हो गया, अपर लिप के ऊपर थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया करें, बहुत खूबसूरत लगता है। जी व्यूवर्स, अब हम इनकी जो है लिपस्टिक लगाएंगे, लिपस्टिक की तरफ आते हैं हम। ब्रश की मदद से हमने आउटलाइन क्रिएट करनी है ताकि उसके अंदर हम अपना फिलिंग कर सकें लिपस्टिक को। बहुत ही लाइट कलर लिया है, पीच कलर लिया है हमने। इनकी लिपस्टिक भी हम लाइट लगाएंगे। पहले हमने मैट लिपस्टिक लगाई थी, अब उसी कलर का हम लिप ग्लॉस लेके इनको लिप ग्लॉस लगा देंगे ताकि वो थोड़ा सा शाइनी हो जाए। इसलिए आज हम ग्लैमर्स मेकअप कर रहे हैं तो इसलिए हर चीज़ के ऊपर शाइनर और ये इस तरह की प्रोडक्ट हम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ग्लैमर्स आना भी बहुत ज़रूरी होता है। बहुत अच्छा मेकअप इनका होने वाला है आज, और आखिर में हम लूज पाउडर और शिमर डस्ट लगा देंगे। आप देख सकते हैं हम लगा रहे हैं, तो आप इनका भी फाइनल लुक देखिएगा इंशाल्लाह हेयर स्टाइल के साथ और पूरे मेकअप के साथ। और हमें बताइएगा ज़रूर, हम वेट करेंगे आपके मैसेज का, आपके शेयर का, आपके लाइक का, हमें हमेशा इंतज़ार रहता है। और आप बताएं हमें कैसा ये लुक लगा आपको। और जाते जाते एक बात कहूँगी कि आपका शेयर ही हमारे लिए, आपका लाइक। ओके वर, अब दीजिए इजाज़त, चलते चलते फिर आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल का बटन दबा दें ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो आपको पहले बताया जाए। और मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।